हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय लाइफ विद कुकिंग। आज हम देखेंगे सोया चंक्स पुलाव। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं। ये हरी मिर्च ली है मैंने 3 से 4, हरी इलायची ली है, लौंग और काली मिरी ली है मैंने, ये दालचीनी ली है, ज़ीरा लगेगा हमें 1 टेबल स्पून, तेज़पत्ता लगेगा, 2 बड़े प्याज लिए हैं स्लाइस किए हुए, 1 टमाटर लगेगा, ये मैंने कॉलीफ्लावर लिया है, हरी मटर लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लगेगी और थोड़ा सा ड्राई कोकोनट लिया है। ये सोया चंक्स लिए हैं मैंने 1 बॉल। इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था और अब उसका सब पानी निकाल लिया है। हल्दी पाउडर लगेगी और मसाला लगेगा हमें, ये मैंने गरम मसाला लिया है। देन मैंने 2 बॉल बासमती चावल लिए हैं। एक कुकर में मैं अब 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें तेज़पत्ता भी ऐड कर देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें स्लाइस किया हुआ ऑनियन ऐड कर देंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसका थोड़ा ब्राउन कलर आने तक हमें इसे भून लेना है। ये देखिए, ये ऑनियन अब कुक हो गया है। अब हम इसमें हरी मटर ऐड कर देंगे। हरी मटर को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कॉलीफ्लावर अच्छे से धोकर ऐड कर देंगे। ड्राई कोकोनट को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। चावल ऐड करने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और गरम मसाला 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये 1/2 बाउल मैंने पीनट लिए हैं, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सोया चंक्स ऐड कर देंगे, इसे हमें लास्ट ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने पानी गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें गरम पानी ऐड करेंगे। 2 बॉल मैंने बासमती राइस लिया था, तो मैं अब इसमें 4 बॉल पानी ऐड करूँगी।
अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसकी सिर्फ 2 सीटियां करेंगे। कुकर ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पुलाव बना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।